बांग्लादेश में आरक्षण के विरोध में फैली हिंसा और पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे के बीच सोमवार को 135 लोगों की मौत हो गई। उपद्रवियों ने अस्पताल, होटल और सड़कों पर आगजनी की। इसके अलावा शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के सांसदों और नेताओं के घरों में भी तोड़फोड़ की गई। कई जिलों में तो आवामी लीग के नेताओं की हत्या भी कर दी गई। हिंसा के बाद पूरे देश में अराजकता और अशांति का माहौल है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस और उपद्रवियों के बीच हुई गोलीबारी में ढाका के बाहर सावर और धामराई इलाकों में 18 लोगों की मौत हो गई, जबकि आंसू गैस के गोले चलने और गोलीबारी में 50 लोग घायल हो गए। उत्तरा इलाके में पुलिस स्टेशन से प्रदर्शनकारियों पर हुई गोलीबारी में 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। गोलीबारी से गुस्साए लोगों ने पुलिस स्टेशन को घेर कर उसमें आग लगा दी। ढाका के अलग अलग अस्पतालों ने 78 लोगों की मौत की पुष्टि की है। वहीं हबीगंज में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हुई हिंसक झड़प में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 100 लोग घायल हुए हैं। टंगेल में दो और धनबारी में पुलिस गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई। इसके अलावा 40 लोग घायल हो गए। वहीं लक्ष्मीपुरी इलाका में हुई हिंसा में 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 35 लोग घायल हुए हैं। 7 लोगों के शव पूर्व जुबो लीग के नेता के घर के सामने मिले हैं। कुश्तिया में किशोर समेत 6 लोगों की मौत हो गई। सतखीरा में 3 लोगों की मौत हो गई। जसोर में आवामी लीग के महासचिव शाहीन चकलादार के होटल में आग लगा दी गई। इसके अलावा इसमें 8 लोग जलकर मर गए और 84 लोग झुलस कर घायल हो गए। 2 मृतकों की पहचान चयन और सुजैन हुसैन के रूप में हुई है। इसके अलावा चितमोर में एक होटल में आग लगा दी गई, इसका फर्नीचर जलकर खाक हो गया। खुलना में आवामी लीग के अध्यक्ष जीएम मोहसिन रजा, उनके ड्राइवर आलमगीर और निजी सहायक मोफिजुल इस्लाम की भीड़ ने पीट पीट कर हत्या कर दी। बांग्लादेश में उपद्रवी इतने उग्र हो गए कि बारसिल में पूर्व मेयर और आवामी लीग के अध्यक्ष सोनियाबत सादिक अब्दुल्ला को जलाकर मार दिया। इसके अलावा और लोगों को आग लगा दिया गया। गाजीपुर के सफीपुर में उपद्रवियों पर बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के जवानों ने गोलीबारी की, इसमें 6 लोग घायल हो गए। इसके अलावा गाजीपुर में अंसार के 2 सदस्यों की गोलीबारी में मौत हो गई। उपद्रवियों ने अंसार वीडीपी अकादमी पर हमला किया, इसमें 100 लोग घायल हो गए हैं। इसके अलावा नौगांव में उपद्रवियों ने खाद्य मंत्री साधन चंद्र मजुमदार के आवास पर तोड़फोड़ की और आगजनी की। नरैल में सांसद मुशरफे मुर्तजा के घर में तोड़फोड़ की गई। यहाँ आवामी लीग के कार्यालय में आग लगा दी गई। सुभाष चंद्र बोस के घर में तोड़फोड़ की गई। नारायणगंज में सांसद शमीम उस्मान और आवामी लीग के कार्यालय में तोड़फोड़ की गई। केमिला में सांसद बहाउद्दीन बहार के घर में भी आग लगा दी गई। चटगांव में जुबो लीग के नेता हिलाल अकबर बाबर और वार्ड नंबर 10 की पार्षद निचार उद्दीन के घर पर भी हमला किया गया। शहर आवामी लीग के उपाध्यक्ष अल्ताफ हुसैन और पार्टी कार्यालय में तोड़फोड़ और आगजनी की गई। सांसद एवीएम फजले करीब चौधरी के घर में भी आग लगा दी गई। उपद्रवियों ने जिला जेल में घुसकर 500 कैदियों को जेल से भगा दिया। यहां भीड़ ने जुलूस निकाला। इसके अलावा चटगांव समेत 6 पुलिस स्टेशन पर हमला किया। यहां उपद्रवियों ने आग लगा दी। भीड़ ने चटगांव, पिटिंगा, ईपीजेड, कोतवाली, अकबर शाह और पहाड़ डाली पुलिस स्टेशन पर हमला किया। हमलों में पुलिस कर्मी घायल हो गए हैं। दामपारा में पुलिस आयुक्त कार्यालय और चटगांव में सेंट्रल जेल पर हमला किया। उपद्रवियों ने कोनाबारी और बसंत पुलिस स्टेशन पर भी हमला किया है। वीडियो डेस्क अमर उजाला .com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।